हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं शाही कबाब। इसको हमने अपने यूनिक स्टाइल में नाम दिया है, ना ही किसी की कॉपी करके। और ये हमने कीमा लिया है, यहाँ पे मटन कीमा लिया हमने पावर करीब। और इसके बाद ही हमने हरा धनिया लिया है महीन काट के बारीक, और ये हरी मिर्च है। और ये हमने प्याज को पीस के लिया है, और यहाँ पर हमने प्याज को पीस के लिया है पेस्ट। और ये हमने बेसन को भून लिया है, भून के इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने गरम मसाला और लाल मिर्च, और अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है, उसको निकालना भूल गए थे, सॉरी। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने लिया है, 2 टीस्पून है ये। और ये तो 4 टेबल स्पून है, और ये 1 कप के हिसाब से लिया है हमने। आपका इतना कीमा हो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लें। और अब हम इसको सबको मिक्स करेंगे। और ये कीमा हमने काफ़ी महीन करके लिया है, और नमक का स्वाद अनुसार। और इसमें हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये कच्चे कीमे के कबाब बनाए जाते हैं इसे। और ये हमने गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर लिया है, फ्लेक्स है टाइप। और ये हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमें हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हम प्याज का पेस्ट डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, कम डालेंगे, 4 टेबल स्पून हम डाला। और नमक स्वाद अनुसार। और इसके बाद हरा धनिया मिलाएंगे हम इसमें। हरा धनिया और हरा मिर्चों को ज़्यादा इसमें पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऊपर से देखने में। और इसमें अपना हम बेसन मिला देंगे जो हमने भून के लिया था। कच्चा बेसन नहीं मिलाना, अभी याद रखिए वाले में। इसको मिक्स कर लेंगे हम। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसकी हम चकली टाइप बनाएंगे। और YouTube पे तो बहुत ज़्यादा चकली और चपली जो भी होता है वो सब बहुत सारे कबाब बना रहे हैं, तो हमने सोचा हम किसी की कॉपी मत करें, तो अपने स्टाइल में जो हम अपने घर में बकरीद में बनाते हैं, जो ओकेजन पे नहीं, काफ़ी हम लोग डेली में भी बनाते हैं, हफ्ते में, वीक में जब दाल के साथ बनाना होता है तो हम बना लेते हैं ये। तो हमने सोचा इसको अपना नाम शाही कबाब देते हैं, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बोले जाते हैं। लेकिन हमने इसमें पपीता पीता कुछ मिलाया नहीं, पपीता हम बकरीद में लगा के रखते हैं, जब हमारी बकरीद में फटाफट का काम होता है तो इसलिए। और ये कीमा खुद ही महीन है, तो इसमें पपीता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे घर में पपीते का पेस्ट, ज़्यादा कच्चा पपीता जो लगता है उसका पेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, सो इसलिए। तो हमने इसको नाम शाही कबाब दिया है। और आपको जो नाम पसंद आया तो आप बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसको हम छोटे छोटे से टिक्की बनाएंगे। अब इसकी टिक्किया बना के हम जल्दी जल्दी से फ्राई करेंगे, और ये आपके पास 2-3 दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले का एक ब्लॉग है मेरा, तो यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए नेटवर्क बहुत स्लो चलते हैं, तो इसलिए मेरा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था, तो ब्लॉग भी मेरा अपलोड नहीं हो पाया। तो पहले यह रेसिपी आएगी या ब्लॉग आएगा, तो अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो हम हफ्ते हफ्ते में, तो वीकली में ब्लॉग बना लेंगे। और ये हमने ऐसे टिक्किया बनाया है, बच्चे के हाथ में पानी हल्का से लगा के हम इसकी टिक्किया बनानी, काफ़ी मुलायम कबाब रहते हैं ये वाले। और ये हम इसमें बीच में शिमला मिर्च रखेंगे, और इसको अब हम करेंगे फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ब्यूटीफुल। और इसको हम तवे में ही तलेंगे। इसको हम तवे में तलेंगे, अगर आपको भरे तेल में तलना तलें, लेकिन तवे में ज़्यादा अच्छे से बनेंगे, क्योंकि अंदर से बिल्कुल धीमी आंच पे बिल्कुल सिक जाएंगे, क्योंकि कच्चे कबाब अच्छे नहीं होते जब तक कि अंदर से सिके ना हो। और इस तरीके से हम शिमला मिर्च लगा के उसे कबाब हम फ्राई कर लेंगे। आपको प्याज लगानी प्याज लगा, लेकिन मैंने सोचा यूनिक बनाते हैं, इसमें हमने शिमला मिर्च लगाई है, हमें शिमला मिर्च अच्छी लगती है, इसलिए मैंने शिमला मिर्च लगाई है इसमें। और यहाँ पे हमने धनिया और मिर्ची की नमक डाल के खूब अच्छी सी चटनी पेस्ट कर दी, और बहुत ही ज़्यादा कड़वी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी बनी है, क्योंकि हमें स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ हमने प्याज ऐसे करके अपनी प्लेटिंग की है। अब इसमें अपने अपने कबाब रखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि मेरे कबाब कैसे बने हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच।
तो इसको कबाब को थोड़ी देर सेट होके बस पलट देंगे। और ये हमारे गजब के कबाब बने हैं, देखते हैं इसको हम पलट देते हैं। वाओ अच्छे से बन रही है, लेकिन ब्यूटीफुल। और इधर हमने छोटे छोटे से कबाब बनाए और आपको दिखाने के लिए हमने बड़े कबाब बनाए। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे कबाब बनेंगे। छोटे कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा प्रेजेंटेशन में बड़े कबाब ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इसलिए अपने घर के लिए हम छोटे कबाब बनाए। आप लोग के लिए बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे से कबाब बना के हमारे टाइम डिनर का टाइम हो रहा है। तो और ये हमें किनारे साइड में लगा दिए, हम छोटे कबाब कर लेंगे उसमें अपना। बस मेरे तो मुँह में पानी आ रही है, इतनी टेस्टी से कबाब जब सामने हो और डिनर का टाइम हो। और आई एम अ बिग फूडी, तो आप समझ सकते हैं। ये वाला टेढ़े मेढ़े से जो कबाब है साइड में दिख रहा है, वो मैंने बनाया। बड्डे बड्डे से कबाब देख सकते हैं शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च तो निकल आई। तो रेडी है हमारे शाही कबाब और ये हरी धनिया की चटनी और प्याज से हमने इसको गार्निश किया है। और आप ज़रूर घर पे ट्राई करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी सी रेसिपी है। तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपने मेरी चैनल की लिंक आप सेंड करिए और मेरे सब्सक्राइबर जरवाते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही। अगर मेरे व्लॉग्स अभी आने वाला है, अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो उसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको अगर व्लॉग देखना पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मेरे कबाब तैयार है, आप लोग प्लीज़ घर पर ट्राई करें। और यहाँ पर भी मेरे और कबाब रेडी हो रहे हैं, तो डिनर का टाइम हो रहा है। तो इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।